हाय एवरीवन, आज की रीडिंग है कि आप दोनों पार्टनर की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, यानी आप दोनों के दिल में क्या चल रहा है और आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रीडिंग इसी पर आधारित है गाइस, देखते हैं क्या आपके लिए रीडिंग आता है। पहला कार्ड अपने आप निकला गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड कार्ड भी अपने आप निकला। ढेर सारे कार्ड निकल रहे हैं। देखिए गाइस, एक साथ तीन तीन कार्ड अपने आप निकले। फर्स्ट कार्ड निकला, देखिए आपके लिए दोनों की भावनाएं चल रही हैं इस समय। यहाँ पे कार्डों को देख के लग रहा है, पहले कार्ड को देखिए गाइस, यहाँ पे रिबर्थ का कार्ड आया। तो रिबर्थ का कार्ड आपको ये बताता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ से रिलेशन रख रहे हैं। आप दोनों का जो प्यार है, स्नेह है, वो पास्ट लाइफ से चला आ रहा है। यानी आप जो सोलमेट कनेक्शन में चल रहे हैं, तो सोलमेट कनेक्शन में जो होता है गाइस, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीड़ा होता है, लेकिन जो आपका संबंध होता है, आपका रिश्ता होता है पार्टनर के बीच, वो कभी नहीं टूटता है। लाखों तकलीफें आए, लाखों चीज़ें हो जाएं, लेकिन आप एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते हैं। किसी न किसी कारणवश आकर आप जरूर से जरूर मिलेंगे यहाँ पर। और ये भी है कि आपके बीच वाकई कोई ऐसी फाइटिंग हुई है, ऐसी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके कारण आपके लाइफ में, बोलते ना, एक अंधेरा सा छा गया है, एक बहुत दूरियाँ एक दूसरे के बीच आ गई हैं, एक दूसरे में बहुत ज़्यादा गलत विचार आ गए हैं, एक दूसरे के प्रति अंदर से, बोलते हैं ना, नफरत की भावना एक दूसरे के प्रति आ गई है। सोच रहे हैं कि इनसे हमारा क्या मतलब है, जबकि इतना प्यार होते हुए भी, इतना स्नेह होते हुए भी आप लोग एक दूसरे को अजनबी समझ रहे हैं। एक दूसरे से हर पल लड़ाई, झगड़ा, कलह, ये सब आपकी लाइफ में चला, आपकी लाइफ पूरी हेल हो गई है। कार्ड को देखकर देख लीजिए, और यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आया, तो आप दोनों के बीच बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, दूरियाँ, एक दूसरे से कहा सुनी होते होंगे गाइस, जिससे आप लोग की लाइफ जो पूरी खराब हो चुकी है, एकदम काला कार्ड आया। तो यानी आपके जीवन में बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी है, दर्द है, पीड़ा है। और इस कार्ड को गिल्ट का कार्ड आया, तो आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन ये है, और ये भी कार्ड पूरा ब्लैक आया है गाइस, देख रहे हैं आप, मानसिक तनाव में हैं, एक दूसरे से दूर रह के झगड़ा करके मन ही मन ये आप सोच रहे हैं कि हमने क्यों झगड़ा किया, हमने क्यों दूरियां बढ़ाई, हमने क्यों आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। दोनों पार्टनर की करंट फीलिंग है, हम लोग इतना आपस में क्यों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे से तनाव रखते हैं, एक दूसरे को हम आँख से नहीं देखना चाहते हैं, और आपकी लाइफ जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है गाइस। लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पे लेट गो का कार्ड आया है, देख लीजिए, लेट गो, यानी आप इन सब लड़ाई झगड़ों को छोड़ेंगे, लेट गो कर देंगे, इस गलत तरीकों को छोड़ेंगे, अपने थोड़ा सा अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, तो आपका लाइफ जो है इन फूलों की तरह अच्छा होगा, खुशनुमा होगा, चमकदार होगा, शाइन होगा, अच्छा होगा, और आपका रीबर्थ होगा गाइस, यहाँ पे देख लीजिए, रीबर्थ होगा, यानी आपके रिश्ते का नया जन्म होगा, दोनों के प्यार का नया जन्म होगा, और आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत ही प्यार से जीवन अपना जिएंगे। लेकिन ये तभी संभव है गाइस, जब आप अपनी गलतियों को मानेंगे, एक दूसरे से सुलह करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, पुरानी बातों को लेट गो करेंगे, तभी जाके आपके रिश्ते का रीबर्थ होगा। और फिर जब रीबर्थ होगा, तो हर तरफ से आपके जीवन में आनंद रहेगा, प्यार रहेगा, खुशियाँ रहेंगी।